हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंडेक्स बनाया हुआ है और ये स्पेशली कंज्यूमर कोर्ट के लिए बनाया हुआ है। इन द कोर्ट ऑफ एलडी लिखा हुआ है प्रेजिडेंट डीसी डीआरसी। तो आपको सिर्फ यही लिखना है इन द कोर्ट ऑफ प्रेजिडेंट, या मतलब इस तरह लिखना चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप ये शुरू की जो लाइन है ये वाली बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, और आपको अपनी जहाँ भी आप ज्यूरिडिक्शन बनाना चाहते हैं, जहाँ से आपने सामान खरीदा आप वहाँ बना सकते हैं, जहाँ के आप मतलब रहने वाले हैं या वहाँ पे, ठीक है, जहाँ भी रह रहे हैं या जहाँ पे कंपनी है, तो कहीं भी आप अपनी ज्यूरिडिक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लेनेंट इस तरह रहेगा, रिस्पोंडेंट मतलब कंप्लेनेंट आप होंगे, आपको अपना मतलब नाम, डेट, नाम, अपने फादर का नाम बताना चाहते सही है, अपने एज बताना चाहते सही है, नहीं आपकी मर्जी होगी, ठीक है। आपको अपना घर का एड्रेस, आप यदि उत्तर प्रदेश के हैं या किसी भी जगह के हैं तो आपको अपना स्टेट लिखना होगा और अपना पिन कोड लिखना होगा, वर्सेस में जो भी कंपनी की डिटेल होगी, ठीक है, वो लिखनी होगी। तो इस तरह रहता है कि आप दोनों में से एक अपना कोई भी फॉर्मेट चुन सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है। तो ये था, ओके। एंड कंप्लेनेंट को अपनी या फुल डिटेल लिखनी होती है, जैसे कि अपना नाम, अपना पता, अपना स्टेट, ठीक है, साथ में अपना आधार कार्ड लिख दे तो अच्छा है, आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। रिस्पोंडेंट का अपना नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, यदि रिस्पोंडेंट तीन है तो उनका तीनों को आप पार्टी बनाएंगे, ठीक है। पार्टी कैसे बनाते हैं, जैसे कि यहाँ अभी हमने एक को ही पार्टी बनाया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं, उसका फुल डिटेल भी आपको लिखना होगा, ओके। ओके, ये है कंप्लेनेंट डिटेल को। तो जब आप अपना मतलब ये दो मिनट, हाँ, जब आप ये बना रहे होंगे तो आपको रेफरेंस ये लाइन जरूर लिखनी होगी। मैं आपको इसमें दे दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इंडेक्स आपको जो बनाना है इसमें सीरियल नंबर आपको वो डालने में जितनी आप चीज़ें इसमें अटैच करोगे थ्रू काउंसिल, यदि काउंसिल के थ्रू करें, एडवोकेट के थ्रू करें, तो उसका आप नाम, एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, ठीक है, ओके। एंड यदि खुद केस फाइल कर रहे हो तो आपको थ्रू काउंसिल की जरूरत नहीं है, ओके। मैम, जैसे कि इसमें मेमो एंड पार्टी ऐड करना जरूरी होता है, तो आप उसको मतलब जिस पेज पे भी आपका वो होगा उसका मतलब नंबर लिखना होगा। मान लो दो पेज पे है मेमो एंड पार्टी तो 1 और 2 होगा। लिस्ट एंड डेट इवेंट मान लो 3 पे है तो 3 लिखना होगा। कंप्लेंट जो आपने केस ड्राफ्ट किया है, ठीक है, वो किस नंबर पे है वो क्लिक करना होगा। सर्टिफिकेट जो लगाते हैं वो कौन से नंबर पर वो लगाना होगा। एफिडेविट आपने किस नंबर पर लगाया हुआ है, पेज नंबर कौन सा है उस पर बताना होगा, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन केस भी फाइल करते हैं तब भी हम एक मतलब वो तो बनाते ही हैं अपना कि भाई मतलब पहले इंडेक्स बनाया, मेमो एंड पार्टी बनाया, लिस्ट डेट इवेंट बनाया, कंप्लेंट बनाया, ठीक है। तो वो कौन कौन से पेज पे आएंगे तो हमें ये भी देखना होता है। यदि आप ऑफलाइन तरीके से केस फाइल करते हैं तो किस नंबर पे, पेज नंबर पे इनवॉइस आएगा आपके, मान लो 5वें नंबर पे भी है, वो 6ठे नंबर पे भी, 7वें 8वें नंबर पे इनवॉइस लगे हुए हैं, तो आप इससे लिख देंगे 5, 6, 7, 8, ठीक है। अथॉरिटी लेटर जिस नंबर पे है, आधार कार्ड जिस नंबर पे, आपको उसको यहाँ वो करना होगा, मतलब नंबर लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह इंडेक्स बनाना काफ़ी आसान होता है। इंडेक्स का मतलब यही होता है कि कौन से पेज पे कौन सा आपका मटेरियल लगा हुआ है, जैसे कि वकालतनामा किस पेज पे लगा हुआ है, कंप्लेंट किस पेज पे लगा हुआ है। कंप्लेंट की जगह पे आपको सिर्फ अपना कंप्लेंट का नाम, जो केस फाइल कर रहा है, यदि मान लो आप अपने बेटे के बिहाफ पे कर रहे हैं, ठीक है, वो माइनर 18 साल से छोटा है, तो आप गार्डियन के रूप में उसका केस फाइल कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि भाई मान लो कोई लड़के का नाम है या लड़की का नाम है, सोनाली है, सोनाली जो डाटर ऑफ जिसकी भी डाटर होगी, या पत्नी जिसकी पत्नी है वो, ठीक है, तो उसका जो एड्रेस है, स्टेट है, पिन कोड है वो लिखना होगा। रेस्पोंडेंट मान लो कोई दुकान है या कोई कंपनी है, उसका जीएसटी नंबर जो होगा, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी पता होगा, जो उसका एड्रेस पता होगा, उसका दुकान का या कंपनी का नाम पता होगा, तो वो लिखना है। तो काफ़ी आसान होता है ये बनाना। और DCRDC ये यही होता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल डिस्प्यूट कमीशन, इसको हम इस कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं। यदि आपको उसको फुल फॉर्म में लिखना है तो उसको फुल फॉर्म में भी आप इस तरह लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अरे जो आप हमें इस पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं दिवांशी के नाम से हमारा, ठीक है। एंड जो लिंक्डइन पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरी बता सकते हैं, और पिंटरेस्ट पे भी आप हमें दिवांशी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। इस तरह हम FB पेज पे भी हैं, दिवांशी पेज है हमारा, तो आप हमें वहाँ फॉलो, अपनी क्वेरी कर सकते हैं, अपना रिव्यू हमें दे सकते हैं। यहाँ पे भी आप अपना हमें हमसे ऐड होके आप हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत मतलब जो हमारे व्यूवर हैं उन्होंने हमें मतलब वो किया है, रिकमेंड किया है, तो आप इस तरह में रिकमेंड भी यहाँ भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे,
और आपकी जो भी क्वेरी है उसको हम सुलझा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही।